दोस्तों, यदि आपको जियो से प्रॉब्लम है, यानी जियो का मोबाइल आप यूज कर रहे हैं या यूज करना चाहते हैं, या किसी भी तरह की समस्या अगर आपको आती है, तो दोस्तों आपको इधर उधर टहलना पड़ता है। तो दोस्तों, इसीलिए हम आज लेकर आए हैं आपके लिए जियो के कुछ नंबर्स, कस्टमर केयर के नंबर की कहाँ आप कंप्लेंट करें या कहाँ से आप जानकारी लें। तो दोस्तों, उसी को आज हम लेकर आए हैं। काफी मेरे पास इस तरह के जियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं कि इस तरह की समस्या के लिए कहाँ बात करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको इसीलिए हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, ये एक वेबसाइट में है, jio.com की वेबसाइट है, जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन आज शेयर कर रहा हूँ, और दोस्तों वो लिंक जहां पर अवेलेबल है, लिंक मानी कि जो ये पेज खुला हुआ है, ये पेज आप कैसे खोल पाए अपने मोबाइल में, तो दोस्तों उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे इस वीडियो के नीचे ही दे दिया है, आप वहां से इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर जियो से आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप दो तरह से इनको संपर्क कर सकते हैं। एक तो फोन करके संपर्क कर सकते हैं, दूसरा ईमेल के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फोन करके जो समस्याएं हैं आप बताना चाहते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि जो जियो का ये कस्टमर केयर है, ये मंडे टू संडे यानी कि सातों दिन आपको उपलब्ध है और 24 घंटे उपलब्ध है। तो दोस्तों, अगर आपको जियो से सामान्य बात करनी है, तो आपको ये नंबर है 1-860-893-3333 इस नंबर पे आपको बात करना होगा। ध्यान रखने वाली बात ये कि ये नंबर दोस्तों टॉल फ्री नहीं है, ये पेमेंट वाला है, 1-860 लगा हुआ है, तो आपके जिस फोन से आप बात करेंगे उससे पैसा जरूर कटेगा दोस्तों। उसके बाद अगर आप रिचार्ज प्लान के बारे में, डाटा बैलेंस कितना है इसके बारे में, वैलिडिटी और रिचार्ज कंफर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको 1991 में फोन करना होगा। दोस्तों, एक चीज हम आपको और बता दें कि आपको ये जो 1991 या 199 या 198 जो भी डायल करेंगे, छोटे छोटे नंबर हैं, ये नंबर आपको अपने जियो फोन से ही डायल करेंगे तभी ये नंबर मिलेंगे, नहीं तो दोस्तों नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम बता रहे हैं, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जियो का जो ऐप है, जो कि आपने हो सकता है डाउनलोड कर रखा हो, तो उसमें भी ये उपलब्ध है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जियो से संबंधित कोई जानकारी लेना है, यानी कि क्वेरी करनी है, तो आप 199 अपने जियो के फोन से आप डायल कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला ऊपर वाला जो नंबर था दोस्तों, आप किसी भी मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर से डायल करेंगे तो मिलेगा, लेकिन ये 198-199 आपको जियो के फोन से ही डायल करना होगा, तभी ये जियो के फोन में जाएगा, नहीं तो कहीं और चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों, एक और नंबर है जियो का, जो आप किसी और नंबर से, मान लिया एयरटेल के या बीएसएनएल के नंबर से करना चाहते हैं, तो इस नंबर में भी डायल करके आप कंप्लेंट और क्वेरी आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों, ये लेकिन टोल फ्री नंबर है, क्योंकि 1800 से शुरू होता है। दोस्तों, उसके बाद आते हैं टेली वेरिफिकेशन टू एक्टिवेट बोथ एचडी वॉइस एंड डेटा सर्विसेज, यानी कि अपने फोन में आपको एचडी वॉइस और डेटा सर्विसेज को शुरू करने के लिए, यानी जब इनिशियली आप जब सिम रिलायंस जियो का लेते हैं, तो आपको 1977 में कॉल करके आपको वेरिफिकेशन करना होता है, तो ये वो नंबर है टेली वेरिफिकेशन का। दोस्तों, अगर केवल डाटा सर्विस को आपको एक्टिवेट करना है शुरुआत में जब आप लेते हैं, तो उसका टेली वेरिफिकेशन का नंबर दोस्तों ये नंबर है, तो आप इस नंबर को भी डायल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम लोग डिवाइस, यानी कि जो रिलायंस जियो ने मोबाइल, जैसे जियो फोन या और ELYF मोबाइल और जियो फाई, जो कि वाईफाई की सर्विस है, इनको जो कि ले रखे हैं, उसके लिए आपके हेल्पलाइन का नंबर होगा, ये भी टॉल फ्री है, 1-800-890-9999। तो दोस्तों, ये इन लोगों के लिए है जो डिवाइस से संबंधित जिनकी समस्या होती है। दोस्तों, उसके बाद कुछ और है, एंटरप्राइज के नंबर हैं, ये दोस्तों आपके जनरली काम के नहीं होते, ये बिजनेस वाले लोगों के लिए होते हैं, इसलिए हम लोग इनकी बात नहीं करने वाले हैं। दोस्तों, उसके बाद जो फाइबर यानी वाईफाई के लोग हैं, वो यहाँ पर आपको फोन कर सकते हैं, टॉल फ्री नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आपको ये नंबर है जो बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो रहे आपको कॉल करके आप जियो को कंप्लेंट करके करना चाहते हैं या जियो के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं, तो ये कस्टमर केयर के नंबर है जिन पे आप बात करके अपनी समस्या या जानकारी
को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका है ईमेल का। ईमेल यहाँ पर ये है दोस्तों, तो आपको एक तो दोस्तों दो तरीके हैं इसके कंप्लेन करने के। आप यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिए, और यहाँ अपना जो भी समस्या है वो यहाँ पर पूरी तरह से लिख दीजिए। उसका सब्जेक्ट पहले लिखना है दोस्तों, पहले ऊपर यहाँ सब्जेक्ट लिखना है और यहाँ पर आपको पूरा मैसेज लिख देना है। लिख करके यहाँ सेंड में आपको क्लिक कर देना है तो मेल ऑटोमेटिकली चली जाएगी, आपको अपने मेल को खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं अगर अपने ईमेल आईडी से अगर आप उनको मेल करना चाहते हैं तो उनका मेल आईडी ये है care@jio.com। ये आपको सामान्य जो आपके मोबाइल से संबंधित और भी समस्याएं जो भी होती हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद शॉपिंग से रिलेटेड केवल है तो इस पे ये shop@jio.com पे कर सकते हैं। जो बिजनेस वाले लोग हैं यानी जिन्होंने लीज लाइन या उनकी इंटरनेट की लीज लाइन या बहुत तरीके से इंटरप्राइज सर्विसेज होती हैं वो यहाँ पर इंटरप्राइज केयर पे कर सकते हैं। उसी तरह बिजनेस के लिए ये भी एक नंबर उन्होंने मेल आईडी उन्होंने दिया हुआ है। और फाइबर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो आप jiofiber@jio.com पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा जियो से संबंधित कोई कंप्लेंट को रजिस्टर कराना और उस कंप्लेंट का सलूशन पाने के दो तरीके, मेनली एक कॉल के द्वारा और एक ईमेल के द्वारा। तो दोस्तों हमने आपको बताया और इसका लिंक भी दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप वहां पर जाकर इस पेज को भी ओपन कर सकते हैं। और जो हमने तरीका बताया और जो हमने नंबर्स आपको बताए उन नंबर्स पे भी आप कॉल करके आप अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और आप अब इसका इस्तेमाल बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।